नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के तरफ से अलग अलग कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से मामला सामने आया है, इसको लेकर अब राजनीति भी खूब तेज हो गई, बयानबाजी भी देखने को मिल रही। खैर, इससे अलग ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी है और आज सावन के सोमवार को भी चौथे दिन सर्वे शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए सर्वे का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में लगातार तीसरे दिन एएसआई की टीमों ने करीब 7 घंटे तक सर्वे किया और अब आज यानी सोमवार को सावन के मौके पर चौथे दिन सर्वे शुरू हो गया है। बता दें कि इससे पहले तीसरे दिन सर्वे का फोकस मस्जिद की 3 गुबंदों और मुख्य हॉल पर रहा। गुबंदों के नीचे बने शंकुकार स्ट्रक्चर के अलावा मस्जिद सभागार के एक हिस्से में दिखे ताखों और अन्य संरचनाओं की हर पहलू से जांच के साथ मैपिंग की गई। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर भगवान नरसिंह की आकृति नजर आई है, लेकिन सर्वे के बीच हिंदू पक्ष के दावों को लेकर मामला गर्मा गया है। मुस्लिम पक्ष ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए सर्वे का बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है और अदालत जाने की भी बात कही है। बता दें कि पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है और एएसआई ने अपनी 42 सदस्यीय टीम को काम बांट दिया है। वहीं हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी सर्वेक्षण में सहयोग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण दिशा के तीसरे गोबंद के नीचे के पत्थर के स्ट्रक्चर पर फूल पत्ती और अन्य कलाकृतियां दिखाई दी। गोबंद के बगल के कृत्रिम रूप से ढके क्षेत्र की बिना खुदाई जाँच के लिए और मशीनें मंगाई गयी है। ज्ञानवापी के 3 हिस्सों में बटे हॉल के बीच वाले हिस्से में 23 ताखे मिले हैं। इनकी ऊंचाई करीब 2 फुट और चौड़ाई करीब 1 फुट है। ताखों पर कोई डिजाइन नहीं है, जबकि उनके आसपास डिजाइन है। कुछ ताखों पर पवित्र कुरान शरीफ रखा मिला, वहीं एक ताखे में उकेरा हुआ त्रिशूल भी दिखा। हॉल के अंदर की छत समतल नहीं दिखी तो सीलिंग में कई डिजाइने भी देखने को मिली। फिलहाल सर्वे का काम जारी है। वही सर्वे के बीच हिंदू पक्ष के दावों को लेकर मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए सर्वे का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस मामले में कमेटी ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है और अदालत जाने की बात भी कहती है। बता दें कि सर्वे के दूसरे दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे खंभों के अवशेष मिले हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दावा सही नहीं है, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि जब सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।